अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों जी हां, जैसे कि आपने थंबनेल देखा भाई, मेरा जो अकाउंट है जेस का अकाउंट वो बिल्कुल हैक हो चुका था। तो आप लोग बोलोगे यार ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है यार, मैं देखो आपको मुमकिन करके दिखा रहा हूं, मेरे पास कुछ एविडेंस है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये बिल्कुल हैकिंग वाला ही काम है। तो ये होगा कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, आप इस चीज़ से बच सकते हो। कुछ हैकर्स मतलब होते हैं जो ट्रिक्स होती है ना, मैं आपको उनकी वो ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो ये होगा कि आप ही के लिए फ़ायदा होगा, आपके मतलब पैसों जैसी चीज़ है यार ये जो है, इधर उधर ना हो जाए। मेरे कुछ अमाउंट थी, मतलब मेरी तो नहीं थी, वो थी, मतलब क्या सीन था सारा कुछ सीन था, मैं आपको रियल मतलब स्टोरी बता रहा हूँ। तो सीन ये था कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको वीडियो एंड तक देखनी है। फ्रॉड ये हुआ था कि मेरे साथ जो मेरी अमाउंट थी आई थी कहीं से, वो फिर उन लोगों ने कैसे मतलब निकाल ली बगैर मेरा सिम, मतलब वो बैठे कहीं और थे मेरे पास से, मतलब कैसे वो अमाउंट उन लोगों ने निकलवा ली। ये होता है कि यार लोगों को बनाते हैं वो पागल। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई उनसे मतलब कैसे बचा जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को चलते चलते लाइक करना, आपको शेयर करना, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ाते हैं आगे वीडियो को। मेरा नाम ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल सी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यार सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूं कि जेस कैश अकाउंट इस टाइम सब लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें अमाउंट बंदों की कुछ ना कुछ पड़ी होती है। फिर अक्सर होगा लोगों के साथ ये होता है कि भाई उनके ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से 3,000, 4,000, 5,000 या कुछ अमाउंट जो है ना वो आ जाती है उनके अकाउंट में। तो ये होता है कि उनको एक कॉल आती है, तो उनमें ये बोलते हैं कि भाई हम शॉप पर खड़े हैं, तो ये होता है कि आपके पास हमारी अमाउंट होगी, प्लीज़ हमारे जो है ना इस नंबर पर सेंड कर दें। तो अगर कोई बंदा नहीं मानता तो उसको फिर क्या करते हैं, मतलब बहुत ही बहसबारी करने के बाद तो वो क्या करते हैं कि भाई आपकी तरफ एक पिन आएगा, तो प्लीज़ आप जो है ना हम हमारी तरफ पिन सेट कर दें, मतलब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये होता कि मतलब लोगों को बहुत ही मतलब उकसाते हैं, कुछ मतलब कहानी बताते हैं भाई हमें इतनी ज़रूरत है, हम शॉप पे खड़े हैं, मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब नादान होता है तो वो यार बता देता है। अब मेरे साथ ये होता है, हालांकि मेरे साथ नहीं, मेरे मामू के साथ ऐसा हुआ था। उसमें ये सीन था कि पहले छोटे मामू के साथ हुआ था, उसने जो है ना मुझे बताया, तो मैंने जो है ना उनसे कॉल पर बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, मतलब बोला यार गलती से जो है ना आपकी तरफ अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई, तो उसमें ये कि आप प्लीज़ हमें जो है ना अमाउंट सेंड कर दें। तो मैंने बोला नंबर जो है बताएं, मतलब क्या सीन है क्या। तो उन लोगों ने बोला यार यही मतलब सीन था, गलती से आ गया। मैंने बोला देखो यार लोड तो नहीं, मतलब जो है ना इजी लोड जो जिसको बोलते हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है जो गलती से नंबर पर चला। आप जब जेस कैश में नंबर लगाओगे ना तो उसमें अकाउंट का जो ऑनर होगा उसका नाम भी आएगा। तो कोई बंदा इतना पागल तो नहीं हो सकता यार नाम देख कर भी कहीं और सेंड कर दे। चलो भाई ये बात छोड़ दो। तो उसके बाद उनका एक पिन आया था, उसमें ये सीन था कि लिखा हुआ था साफ तरीक़ों से, मतलब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। तो उसमें ये सीन था कि भाई ये पिन जो है आप सिर्फ उसको शेयर करें जिस पर आपको ट्रस्ट होता है, मतलब। तो ये होता है कि वो बोलते हैं भाई हमें पिन बताओ, तो जैसे ही आप लोगों को पिन बताओगे तो वो आपके अमाउंट जो है वो निकाल लेंगे। तो मैंने उससे बहुत ही बेहसबारी की, मतलब ये अंग्रेजी हमारी थोड़ी बहुत मतलब आती थी, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। तो हमने भाई उनसे थोड़ी बहुत बात की, ये हुआ कि वो भागे, उसके बाद ना कॉल उठा रहे थे ना उनकी कोई कॉल आई। तो भाई अगर तुम लोगों के पैसे थे तो वो जो है ना बैक कॉल आपको कर दे, लेकिन उन लोगों का कोई भी ऐसा सीन नहीं था। अब ये कि बड़े मामू की तरफ कॉल जो है ना आई थी, मैसेज भी आया था, कॉल भी आई थी, तो उन्होंने जो है ना मुझे नहीं बताया, उन्होंने सिंपली जो है ना अपना जो पिन कोड है वो उनको बता दिया, उन लोगों ने अपनी अमाउंट निकाले। अब ये है कि खतरा होता है, मतलब किसी भी टाइम आपके जो है ना अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, मतलब रिस्क जैसी चीज़ है। मतलब ये भी हो सकता है कि हर दफ़े पिन आ सकता है, अब ये भी हो सकता है एक ही बार पिन बताने से उनका जो है ना अकाउंट का सारा एक्सेस उनके हाथ में आ सकते हैं। तो यार आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो मतलब ये होती है मतलब अमाउंट जैसी चीज़ है, ये अगर चली गई तो बंदे के पास और बचा गया, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कोई भी आपके पास अमाउंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उनसे थोड़ी मतलब बहस करो, ठीक है, बहस करो और उनको डराओ, ठीक हो गया। अगर कोई बंदा होगा या कोई भी चीज़ होगी आपको जो है ना सिंपली नंबर मतलब वापस नहीं करनी यार, आपके पास आ गए तो आप ही कहें जाओ यार, किसी से भलाई नहीं करो, समझ लो। अगर आपका बिल्कुल समझ लो जिसमें मतलब आपके तरफ कोई खतरा ना, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ आप मतलब वो काम कर दो। अगर समझ लो इसमें मतलब खतरा या कोई चीज़ है तो वो आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना, इन चीज़ों से आपको बचना। पिन कभी भी किसको नहीं बताना है। और ये जो चीज़ें आती ना SMS वगैरह आते हैं भाई आपके इतने पैसे निकले, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, फिर ये करो, ये सारी जो है ना वॉइस रिकॉर्डेड होती हैं, मतलब बहुत से मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास ही आते हैं भाई ये देखो कॉल करो इस पर, तो क्या कहते हैं। अब मैंने जिस जिसका मोबाइल से उनको कॉल किए तो एक ही रिकॉर्डेड वॉइस होती है, जो एक ही जो है ना एक ही जैसा मतलब लहजा होता है उनके बात करने का। तो ये होता है हर बंदे को रिकॉर्डेड वॉइस होता है, आप कुछ बात करोगे आपको जो है जवाब वही मिलेगा जो वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं, जाओ यार मतलब दफ़ा करो इनको। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।